शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मैं क्या करूं ना, मुझे बुड्ढा मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ ना। जी रगड़ तो रही हूँ। क्यों जी, बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी है। छोड़ो पानी है। संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है। अरे वो महान नहीं है, भुतनी का शैतान है। अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरे देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बैठो जी। ठीक से लगा साबुन। चमेलिया तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। पाकरा ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। माकरा एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो देखो ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहा है, कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब खैर। भाड़ में जाए तेरा ये संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई? आप नहीं जानते जी बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं सिर्फ अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। भाई साहब आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। ये बांसुरी है, मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजीब बात भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे? सुबह अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बांसुरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रवि क्या बड़ों की दुश्मनी हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? नहीं रहो, जब भी मैं अपनी बहन की उजड़ी मांग देखता हूँ तो तुम्हारे बाप और अंकल के खिलाफ मेरा दिल नफरत की आग से जलकर भड़क उठता है। जी चाहता है इसी वक्त जाकर, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है, इस तरह तुम अगर हर लोफर के साथ में। अरे असली लोफर तो तू है। अबे बेगैरत, इसने लोगों के बीच तुझे जूता मारा है फिर भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शहर कोई और था, वहां मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला एक मामूली स्टूडेंट था, मगर उस शहर में मैं चारंगीलाल दो मुखिया का भाई हूँ। तू इस शहर में अगर चार मुखिया का भी भाई होता तो क्या कर लेता? अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की से शादी नहीं की तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है? हाँ उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है। आओ रेनू आओ। क्या बात है अंकल? कुछ नहीं रेनू, ये श्री चौरंगीलाल दो मुखिया है और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो? इनको तो नहीं जानती लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी तब इनको देखा था, और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे उस वक्त भी इनको देखा था। बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको, करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है। सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चौरंगीलाल जी, बाय। वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे, इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। जबरदस्ती शादी करवा दीजिए और क्या है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी, वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है, ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ। सॉरी। अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ।
और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पे छोड़ दो, अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगी लाल। तो क्या मैं नालायक हूँ? यही मेरी भतीजी ने बताया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है, और तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? जानता हूं। तुम कल के XMLC हो और मैं आज का करोड़पति हूं। ओके ओके शंकर। यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। शंभू जी हो। ड्राइवर तैयार है? जी हो। इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो। डैम इट भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा। किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं। हेलो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। आप कौन बोल रहे हैं? कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे बल्कि उनका कत्ल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा, वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के चार टुकड़े होते हैं, रा ज नी ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला और त से तिगड़मबाजी करने वाला, और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं। बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने। एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है, अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। ये लो बलराम, सन्यासी राजा का स्पेशल माल, चढ़ाओ गटागट। नैसी लॉटरी लगी थी, अच्छा हुआ। और तूने शराब की दुकान खोली ना, ये और भी अच्छा हुआ। मगर सन्यासी दुकान का नाम तुमने सन्यासी राजा वाइन शॉप रखा है ना, ये बहुत बंडल है। अरे सन्यासी राजा। अरे कन्हैया आओ, तुम भी मारोगे ब्रांडी? मैं सिर्फ डंडा मारता हूँ, सर्किल इंस्पेक्टर ने बुलाया, चलो पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मेरी बहन जी ने बुलाया तो बराबर है, मैंने शराब की नई दुकान खोली है तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाती होगी। चलो बल्ला भैया जा रहे हैं। कन्हैया, मेरी बहू को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने कहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं। चलो चलो, ध्यान रखना दुकान का बलराम। कन्हैया कहाँ है हमारी बहन? अंदर आपका इंतजार कर रही है। मैडम, सॉरी बहन जी, अपनी शराब की दुकान के उद्घाटन के समय आपको बुलाना ही भूल गया। हैरत हो रही है ना बहन कि ये सन्यासी राजा अचानक साहूकार कैसे बन गया? कुछ नहीं, तकदीर आजमाने के लिए लॉटरी खरीदी थी, लग गई, 1,00,000 का इनाम मिला, बस। बड़ी खुशी हुई। तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। ये पुलिस वाले मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? आए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आओ, बैठ जाओ,
आप तो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं कि मैं खुशी के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। ये मुझे बांध क्यों रही है बहन जी? तुम लोग बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है बहन जी? उनकी मौत कैसे हुई? लारी के नीचे आकर। बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटाकर इतना खुश नहीं होता है। सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। Come on, tell me the truth. उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो उनकी मौत कैसे हुई? लारी के नीचे आकर। सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहां से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही है? इनकी मौत कैसे हुई? नीम की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा जमीर मुझे बार बार डसने लगा, इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूं। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात, मैं भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही न दे दे, उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए, ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरी कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है। वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चार दीवारी में कैद कर दूंगी। कांस्टेबल, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी, इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है। एंटीसिपेटरी बेल, गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोहों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी। उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट, गेट आउट। तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है। और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है
ये सच है। गुनेगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है। शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी। अगर तुम मेरे जीजाजी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिला। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं। अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी। सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी। मैनेजर। यस सर। नए मजदूरों से कहो कि कल से काम पर आ जाएं। सर, नए लोगों को काम पे रखने से हड़ताल वाले मजदूर गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। करेंगे तो मरेंगे, मैं उन्हें देख लूंगा। गुड इवनिंग अंकल। गुड इवनिंग बेटा, क्या बात है? मेरा क्लासमेट है, उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे दीजिए ना अंकल। अरे बेटी, तुम कहो और मैं ना मानूं। जब तुमने शादी के लिए इनकार किया तो मैंने चौरंगी लाल जैसे बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ले ली, तो क्या तुम्हारे कहने पर मैं किसी को छोटी सी नौकरी नहीं दे सकता? जरूर दूंगा, मुझे उसका नाम और क्वालिफिकेशन दे देना। मैनेजर। यस सर। लेकिन अंकल, उसे टेम्परेरी नहीं परमानेंट नौकरी चाहिए। अरे बेटा, परमानेंट नौकरी मिलेगी। मैनेजर। यस सर। तुम एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करवा देना, मैं फौरन साइन कर दूंगा। ओके, आप खुश? बहुत खुश, थैंक यू अंकल। रवि, रवि। रवि, हमारी फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से नौकरी दिलवाई और तुम सिर्फ थैंक यू से ही काम चला रहे हो, तो और क्या चाहिए? लव इन द रेन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी सर, मेरा लड़का मर गया और क्रियाकर्म करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कुछ हेल्प हो जाएगी तो 50 रुपए मिल जाते तो। 50 रुपए? 20 से काम चल जाएगा। एटलीस्ट 5 रुपीज। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थैंक यू सर। सर 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 सर। अरे भाई, दे तो दिया। कंगाल। क्या आदमी है ये? दूसरों के मर्द दफ्तर में जाके सोते हैं और रात को घर में आकर जागते हैं। न जाने मेरे मर्द को क्या बीमारी है, घर में घुसते ही सो जाता है, खाने में पराठे और लेटते ही खर्राटे। गुड मॉर्निंग सर, मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आई एम नॉट अ बेगर, आई एम अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मजबूरी है तो मैं क्या करूं? 20 रुपए दे तो 10 रुपए दीजिए। चले, आई एम सॉरी। 5 रुपए मिल जाए तो सिर्फ 2 रुपए। दो 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 दादाजी। मम्मी मम्मी मम्मी, आज है ना मेरे स्कूल के पास दादाजी। छी 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 छी, मेरे बेटे के मरते ही इस घर से इज्जत और शराफत भी उठ गई। हे भगवान, जवान और कुंवारी लड़की का ऐसा शर्मनाक बर्ताव। किसकी बात कर रहे हो? अरे, और किसी की बात होती तो मैं क्यों फिक्र करता। ये तुम्हारी लाडली पोती बीच बाजार में एक लड़के के साथ तिश कर रही थी। क्यों झूठ बोल रहे हैं दादाजी? झूठ तो सच क्या है तू ही बता दे। तू चौक में उस बिल्ली आंखों वाले लड़के के साथ मस्ती नहीं कर रही थी? दादाजी, इस उम्र में झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? ज्योति, बड़ों के साथ इस तरह पेश आते हैं?
गलती नहीं की। मेरे स्कूल के पास दादाजी लोगों से भीख मांगते हुए कह रहे थे मेरा बेटा मर गया है, उसके क्रियाकर्म के लिए मुझे पैसे दे दो। और इस डर से कि मैं ये बात तुम्हें बताना दूं, उन्होंने खुद को बचाने के लिए मुझ पर पहले ही ये झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ज्योति मम्मी चुप हो जाओ बेटी। बाबूजी, अगर आप जेब खर्च के लिए अपनी बहू से पैसे मांगना अपनी बेइज्जती समझते हैं तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अपने मरहूम बेटे के नाम पर सड़कों पर भीख मांगना सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सारे खानदान की बेइज्जती है। क्यों जी, तुम भीख मांगते हो? जी, आज मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा बेटा मर गया, रो रही हूँ इसलिए कि अब तक तुम जिंदा हो। महेंद्र बाबू, अरे ये क्या, तुम यहाँ चले आए? मैं जनता का जबरदस्त जुलूस लेके तुम्हारे स्वागत के लिए सेंट्रल जेल गया था और तुम यहाँ चले आए? खैर कोई बात नहीं, माला कहाँ है, लाओ स्वागतम। क्यों चौरंगी लाल, तुम क्या क्या बात है? वही पुरानी बात, उस रोज जब मैंने महेंद्रनाथ की बेटी का हाथ अपने भाई के लिए मांगा था तो तुमने इनकार कर दिया था, आज वही आवाज में महेंद्रनाथ के कानों तक पहुंचाने आया। तो ये है इनके आने का मकसद। बड़े भैया ने जो कह दिया समझ लो वो मैंने कह दिया। चौरंगी लाल, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि तुम इस किस्से को भूल जाओ। कोशिश तो बहुत की लेकिन ये बात दिल की दीवार पर उद्घाटन के पत्थर की तरह खुद की रह गई है, भुलाई नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जब दो शरीफ आदमी अलग होते हैं तो बड़ी आसानी से दोनों अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब दो बुरे आदमी अलग होते हैं तो सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए कब्रें खोदते रह जाते हैं। तुमने हमारे लिए जो गड्ढा खोदा था उसमें से आसानी से बचकर बाहर निकल आए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि झांसी रानी को खून के बारे में बताकर भड़काने वाले बड़े आदमी आप ही थे। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं महाप्रभु, मैंने तो उसी दिन से अपने होश लिए थे, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उस दिन से मुंह भी नहीं खोला। कैलाशनाथ बोलो। मैं वो हूँ जिसने मर्डर्स कराए, दंगे फसाद कराए, जब उनसे नीयत भर गई तो राजनीति में चला है। मैंने 17 घाट का पानी पिया है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। अगर मैं तुम्हें भड़का भी दूं चौरंगी तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा हा? तो वो कागज जिस पर तुमने और चंद्रशेखर ने दस्तखत किए थे वो कहाँ है, कुछ मालूम? सन्यासी राजा उन कागजों को कब का फाड़ चुका है। नहीं प्यारे, सन्यासी राजा उन कागजों को मेरे हाथों 50,000 में बेच चुका है। मुंह मत खोलो, मैं तुम्हारी अतड़ियों की लंबाई पहले ही नाप चुका हूँ। तुम उन कागजात का क्या करोगे? सन्यासी राजा जेल में है ये तुम्हें मालूम है, और हम ये कागजात झांसी रानी को दे देंगे ये भी तुम्हें मालूम है। सन्यासी गवाही ना दे तब भी वो कागजात तुम्हें फांसी पर लटकाने के लिए काफी है, ये भी तुम्हें मालूम है। भाई चौरंगी लाल जी, समझ लीजिए ये आपके पांव हैं, मैं आपके पांव पड़ता हूँ चौरंगी लाल जी। पैर नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी भतीजे का हाथ चाहिए। जरूर जरूर, आपके भाई के साथ ही मेरी भतीजे की शादी होगी। क्यों भैया? जो आपकी मर्जी। ये भी ना बात, तो चलो इसी बात पर एक गिलास बियर हो जाए। और बियर, आई एम ऑलवेज रेडी माय डियर। यस यस, तुम खड़े रहो। तुम चिंता मत करो रेनू, मेरे होते हुए शादी कभी नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे डैडी और अंकल को ऐसा धोखा दूंगा कि शादी तो होगी मगर दूल्हा विक्रम नहीं, ये रवि होगा। ओके ओके। नमस्ते सर। तुम क्या जाना हुआ? सर फैक्ट्री में आधे से ज्यादा मजदूर काम पर नहीं आते इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो क्या करूं, फैक्ट्री बंद कर दूं? ऐसी बात नहीं है सर, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद करें तो मैं बिना किसी शर्त के फैक्ट्री के सारे वर्कर्स को
काम पर लाने का तरीका बता सकता हूँ? बिना किसी शर्त के? हाँ सर। वो कैसे? पहले आप मुझे वचन दीजिए। ओके, बात क्या है? सर, सर मैं एक मुसलमान लड़की से प्यार करता हूँ, जिसके माँ बाप हमारी शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। अगर आप बड़े बनकर हमारी शादी करवा दे तो। लड़की बालिक तो है ना? हाँ सर। फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी मौजूदगी में शादी करवाऊंगा, देखता हूँ कौन आड़े आता है। मगर सर मैं अभी मजदूर बुलाता हूँ सर। प्रोसीड। मैं सबको ले आया हूँ सर। ठीक है, आइंदा कोई गड़बड़ की तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा, और जिनको निकाला गया उनको वापस भी नहीं रखा जाएगा। मत रखिए सर। और अहमद मियां के घर वालों को हर जाना भी नहीं मिलेगा? जरूरत नहीं है सर। और हड़ताल के दिनों की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी? नहीं चाहिए सर। ठीक है, तुम लोग सब ड्यूटी पर चले जाओ। ये सपना है या जादू? तुमने इनसे क्या कह दिया भाई? ये बात बताने की नहीं है सर, ट्रेड सीक्रेट। पहले आप अपना वादा निभाइए, मेरी शादी करवा दीजिए, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। श्योर श्योर, कल ही तुम्हारी शादी होगी रवि। थैंक यू सर। डरने की कोई बात नहीं है, हाँ चलने दो। चारों तरफ हमारे गुंडे खड़े हैं, नीचे पुलिस वाले हैं। ऐ सुनो जी, हो सकता है लड़की का बाप ऊपर आने की कोशिश करे। पुलिस वालों को कह दिया ना कि जब तक मैं हुक्म ना दूं उसको एक भी सीढ़ी ऊपर चढ़ने मत देना। कह दिए सर। बस फिर क्या प्रॉब्लम है, चलने दो। रुकिए, आप ऊपर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, ऊपर मेरी बेटी की शादी हो रही है, मुझे जाने दीजिए। झूठ, वहाँ तो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, वो आपकी बेटी कैसे हो सकती है? नहीं, मेरे बाप ऊपर कोई धोखा देकर मेरी बेटी से शादी कर रहा है। नो, आपके भाई साहब ने खुद लिख कर दिया है, किसी को ऊपर आने मत देना। ये देखिए। ओह माय गॉड। जरा चेहरा तोड़ाने को बोलिए, दुल्हन का चेहरा नहीं दिखाई। बिल्कुल नहीं, इनके मजहब में गैर आदमी को चेहरा नहीं दिखाते। आदमी का अपमान कर सकते हैं लेकिन मजहब का नहीं। ऐसे ही खींचो भाई रवि, मंगल सूत्र जल्दी से पहनाओ ना। ओह माय गॉड, मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। सुनो पुलिस, दुल्हन के बाप को ऊपर आने दो, अब हमें कोई ऐतराज नहीं है। जाइए। नए जोड़े को मैं आशीर्वाद देता हूँ और साथ में 5,000 रुपए भेंट करता हूँ। भैया भैया, हम लूट गए, बर्बाद हो गए, हमारा घर उजड़ गया। क्या हुआ भैया? शादी तो आपने करवा दी, लेकिन जानते हैं दुल्हन कौन है? कौन है? हमारी रेनू। अंकल, मुझे खुशी है कि आपने खुद अपने पवित्र हाथों से हमारी शादी करवा दी। आखिर तुम हो कौन? मेरा भाई, और अब तुम्हारा दामाद। तुम क्या समझती हो धोखे से की गई शादी मानी जाएगी? धोखा कहाँ हुआ बड़े ससुर जी, आप खुद मौजूद थे, इतनी जनता मौजूद थी, आपने खुद दोनों धर्मों के अनुसार मेरी शादी करवाई और मंगलसूत्र भी बनवाया। मैं ये मंगलसूत्र नोचकर फेंक दूंगा। 6 महीने की सजा काटने वाले महेंद्रनाथ, अपनी मर्जी से शादी करने वाले इन दो बालिकों को अगर तुमने धमकाकर अलग करने की कोशिश की तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, समझे? चल रही। अच्छा ससुर जी, चलते हैं। आदाब बड़े ससुर जी, खुदा हाफिज। कहाँ है वो तुम्हारा बेकार बकारा? वो थाली में मुंह मारने नहीं आएगा क्या? लो, तुम्हीं ने तो कहा था उसे कि बगैर परमिशन के मुंह नहीं खोलना। अरे उससे कहा था कि बांसुरी नहीं बजाना, खाना खाने के लिए थोड़ा ही मना किया था। अरे कहाँ है ओ बेकार बाकारा मुंह मालार? आपने मुझे बुलाया भाई साहब? अबे अबे, तुझे झटके देने के सिवा कुछ नहीं आता, आ खाने में डूब। चंदम चमचम थालियम शाइनम बट खीरम नर्मम गर्मम मैडम देतम स्वीटम और मेरा शराधम। अरे क्यों संस्कृत की मैयत निकाल रहा है? नहीं,
जब मैं अमेरिका में था वहाँ मैंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों की मिली जुली डिक्शनरी लिखी थी। टेलीफोन की डायरेक्टरी नहीं लिखी थी। अरे क्या हुआ क्या हुआ? ये उल्टी है, ये उल्टा है। उल्टा नहीं भाई साहब, ये उल्टी ही है। इसका मतलब है ये वो होगा। हाँ भाई साहब, हाँ भाई साहब, ये वही है। वाह वाह, राग लोरी। इसका मतलब है ये टूट गई मेरी उम्मीद की डोरी। भगवान मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, जरूर कोई धोखा हुआ है। ये सब आपकी वजह से हुआ? नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंस्पेक्टर ने रोका भी तो तुम रुके क्यों? वो तो ठीक है, अब चौरंगी लाल को कौन समझाएगा? वो दो मुख वाला साहब कहीं हम पर हमला न कर बैठे। डट डट, वो रवि आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या? मेरी कुर्सी पर बैठा है जी? गधा नकली पंजे लगाकर शेर से मुकाबला कर रहा है। चलो देखते हैं। तेरी ये हिम्मत, मेरी कुर्सी पे बैठा है, चलो। क्यों हॉट हॉट हो रहे हो बड़े ससुर जी? बक बक मत कर। कल तक हमारे मजदूरों की खाकी वर्दी पहनकर कौवे की तरह घूमता फिरता था और आज मेरी कुर्सी पे बैठा है। तो क्या हुआ बड़े ससुर जी? आपका दामाद हूँ, आदि जायदाद का हकदार हूँ। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, तुमने बुलाया? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं यहाँ हूँ, तेरा अंकल यहाँ है, तेरी जुबान से ये डार्लिंग शब्द निकला कैसे? मजबूर हूँ डैडी, हिंदू धर्म में तो पति भगवान के समान होता है ना, लाइक गॉड। गॉड? ही इज लाइक अ डॉग। चल उठ कुर्सी से। नॉट पॉसिबल स्मॉल ससुर जी, क्योंकि एज अ सन इन लॉ इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में 50% पर मेरा हक है। मैं तुम्हें कौड़ी भी नहीं दूंगा। हायर, कौड़ी तो मैं लूंगा भी नहीं, पूरे 50% ले चुका हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गए थे। ये रहा दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज। और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है, ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाखलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। Shall we leave, darling? Yes, dear. Don't forget the bag. Oh no. प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए जब पहली बार मैंने फैक्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह से देखा था। इन दो कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था, तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तभी इससे बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूँ। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। रवि बाबू, रवि बाबू, चंद्रशेखर। रवि, तुम क्या समझते हो, तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस जिस को नौकरी पर रखा है हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। घृणास्पद अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सुने माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती, यह याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है चौरंगी लाल दो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो, अपनी बेटी की शादी तो तुम गया और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपके होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है, उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है, मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया।
अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं, तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। इंस्पेक्टर लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैं इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो ले जाओ। यस झांसी। झांसी रानी। ओके, हो सकता है तुम रानी हो, मगर हम अंधेर नगरी के महाराजा हैं। शट अप। पावर मिल जाने के बाद जबान से तमीज की लगाम नहीं छूटनी चाहिए इंस्पेक्टर साहिबा। मुझे खबर मिली है कि तुमने कैलाश नाथ के बेटे और मेरे भाई को गिरफ्तार किया है। अगर तुमने फौरन इन्हें रिहा नहीं किया तो क्या कर लोगे? खून की नदियां बहा दूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम खून बहाओगे और कानून हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रह जाएगा? सुनाओ सर्कल इंस्पेक्टर साहिबा, बचपन में मेरी माँ ने जब पहली बार मुझे दूध पिलाया था तो साथ में शराफत नहीं सिखाई थी, बल्कि खून करने के नए अंदाज सिखाए थे, कानून की आंख में धूल झोंकने के नए नए तरीके सिखाए थे। बको मत। अगर तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकना माँ से बचपन में ही सीख लिया था तो मैंने तुम जैसे मुजरिमों को फांसी की तख्ते तक पहुँचाना माँ के पेट में ही सीख लिया था। तुम ऐसा करने की कोशिश तो करो, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या अंजाम करती हूँ। भाई और बहनों, आपका ये चौरंगीलाल दो मुखिया जो अक्सर घर की चार दीवारी में बैठकर जनता के नाम डबल स्टेटमेंट जारी करता है, कौम के नाम बयान देता है, आज घर से बाहर निकलकर जनता को बुलाकर ये मीटिंग बुलाकर आपके बीच खड़ा है, क्यों? अगर आपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए कि प्रजातंत्र में जो कानून जनता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, आज पुलिस उसी कानून को लाठी बनाकर जनता का सर तोड़ रही है। ये पुलिस अपने रिश्तेदारों की मदद करती है, यह पुलिस उनकी गलतियों को नजरअंदाज करती है, तो मैं पूछता हूँ कि यह जनता राज है या पुलिस राज है? अरे ये कैसे कौम के हमदर्द है, ये कैसे जनता के लीडर है? तालियां।
मैं इन वर्दी वालों से कहता हूँ कि मैं अपनी प्यारी जनता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। इन पुलिस वालों को चेतावनी देता हूँ जो गरीब जनता को डराने के लिए आ रही है कि मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कुतुब मीनार हिल सकता है मगर मैं नहीं हिल सकता। स्टॉप दिस मीटिंग। मेरी चलती हुई जबान को आज कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर चौरंगीलाल, सरकार की तरफ से तुम्हें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी गई। अरे इजाजत तुम दोगी भी कैसे? मेरे बेटे और इनके भाई को तुमने गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद कर रखा है और अब हमारे शहरी अधिकारों को अपने पैरों तले रौंदने चली आई हो। बकवास बंद करो। देखो भाइयों, इस जुल्म की देवी को अपनी आंखों से देख लो। मैं कहती हूँ ये मीटिंग फौरन बंद करो। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस जगह को फौरन खाली कर दें क्योंकि ये मीटिंग समाज द्रोहियों ने अशांति फैलाने के लिए बुलाई है। कृपया करके आप यहाँ से फौरन चले जाइए। मेरे गरीब भाइयों, बहकावों में आकर मत जाइए, बैठ जाइए। मिस्टर चौरंगीलाल, मैं आपको आखिरी वार्निंग देती हूँ कि आप शराफत से माइक छोड़िए और नीचे उतर आइए। माइक छोड़ दूं? कभी नहीं। जिस तरह करण ढाल लेकर पैदा हुआ था, मैं अपनी माँ के पेट से माइक लेकर पैदा हुआ था। मेरी लाश के साथ ही माइक जाएगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर मोहन, अरेस्ट हिम। माइक नहीं छोड़ेगा, हम भाई को प्रजातंत्र, प्रजातंत्र, पुलिस जुल्म। भाइयों, पुलिस के जुल्म के आगे सर झुकाने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लो। मैं पुलिस की आंखें खोलने के लिए अपने आप को जिंदा जला रहा हूँ। मेरे भाई महेंद्र, पेट्रोल का डिब्बा लाओ। क्या हमारे बुजुर्गों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून बहाकर इस धरती को इसीलिए लाल किया था कि दिन दहाड़े स्वतंत्रता का कत्ल हो? ये पुलिस वाले इंसाफ को चींटी की तरह पैरों तले मचल रहे हैं। अरे देख के क्या हो, ऐलान जंग करो, इंकलाब। पुलिस फायरिंग से चार बेगुनाहों की हत्या, प्रमुख उद्योगी कैलाश नाथ गिरफ्तार और सारी रियासत में हड़ताल, ये सब क्या है? हमारे पास बंदूकें हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम लोगों के सीनों को निशाना बनाएं। फिर तो पुलिस राज होगा, प्रजा राज नहीं। सर, उस वक्त हालात बहुत खराब हो गए थे। गुंडे जवान लड़कियों को उठाकर ले जाने लगे, बलात्कार की कोशिश करने लगे, पुलिस वालों का खून करने लगे। अगर उन हालात में मैं अपनी सुपीरियर्स की इजाजत का इंतजार करती तो हालात काबू से बिल्कुल बाहर हो जाते, इसलिए फायरिंग के ऑर्डर के सिवा मेरे पास। नो, नो मिसेस झांसी रानी, तुमने उन हालात का फायदा उठाते हुए जाती बदला लेने के लिए चौरंगीलाल और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश की। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर ऑफिसर्स की इजाजत के बिना सन्यासी राजा को अब तक लॉकअप में क्यों रखा है? क्योंकि वो बहुत खास गवाह है सर। किस मुकदमे का गवाह? सर, मजदूरों के लीडर चंद्रशेखर के खून के मुकदमे का। चंद्रशेखर यानी तुम्हारा पति है ना? जी सर। चौरंगी लाल के भाई और कैलाशनाथ के बेटे को तुमने क्यों गिरफ्तार किया? सर, रवि नाम के एक लड़के ने उनके खिलाफ एक केस फाइल किया था। रवि यानी तुम्हारा भाई है ना? जी। यानी एक को अपने पति के लिए और दूसरे को अपने भाई के कहने पर गिरफ्तार किया। मतलब ये कि जिन लोगों को तुम पसंद नहीं करती उनसे बदला लेने के लिए तुम अपने डिपार्टमेंट का न्याय गलत इस्तेमाल कर रही हो। मिसेस झांसी, हर पुलिस अफसर इस वर्दी को पहनने से पहले एक शपथ लेता है कि आज के बाद सिर्फ फर्ज और कानून हमारे रिश्तेदार हैं, दूसरा कोई नहीं। क्या तुम्हें वो शपथ याद है? मुझे सब याद है सर। मेरी आंखों के सामने मेरे पति खड़े थे और मैंने बीवी होकर अपनी मर्यादा को भुलाते हुए अपने इन हाथों से इन्हें मारा। मुझे याद है सर, ये जानते हुए कि जिस आदमी की लाश मेरे सामने खून में लथपथ पड़ी थी वो मेरे पति थे। मैं आंसुओं को रोके जज्बात के तूफान को काबू में किए पत्थर की मूर्त बनकर खड़ी रही।
ये भी मुझे याद है सर। सेना ठोकर कैलाशनाथ ने हंस हंसकर कहा था कि हाँ मैंने तुम्हारे पति का खून किया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर भी मैं उसे गिरफ्तार न कर सकी, ये भी मुझे याद है सर। जब मैंने फर्ज की खातिर अपने पति को मारा तो आपने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज जब मैंने उनके कातिलों को गिरफ्तार किया तो आप मुझे ही गुनाहगार ठहराकर मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहे हैं। ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकूंगी सर, ये भी मैं हमेशा याद रखूंगी। ये तुम क्या कह रही हो सर? 9 महीने अपने पेट में रखकर जन्म देने वाली माँ जब मर जाती है तब बच्चा अपनी माँ की चिता को आग लगाता है, मगर जिस कानून को मैंने सारी जिंदगी अपना बच्चा समझा आज उसी ने जीते जी मेरे सर पर आग रख दी। कानून का ये सुलूक भी मैं जिंदगी भर याद रखूंगी सर। ठीक है ठीक है, तुम अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, छोड़ दो उन सबको। सर आप उन्हें छोड़ने को कह रहे हैं? यस सर। सर्विस ज्वाइन करने से पहले हमने एक और शपथ ली थी कि हम ऊंची पदवी वालों और बड़ी हस्तियों की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि अगर मौका पड़े तो अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फर्ज पूरा करके ही रहेंगे। मुझे तो सब याद है सर, लेकिन शायद आप इन सब बातों को भूल चुके हैं। याद करने की कोशिश कीजिए सर, ट्राई टू रिमेंबर देम। मोहन। यस मैडम। उन्हें छोड़ दो। झांसी। हाँ, झांसी रानी। अंग्रेजों ने अपनी चाल से उस झांसी की रानी को अपना शिकार बनाया था। आज इस चौरंगी लाल दो मुखिया ने इस झांसी रानी का सर झुका दिया। इंस्पेक्टर साहिबा, जब तक पैसे और राजनीति का राज चलता रहेगा तुम्हारे जैसे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब झांसी रानी का अंजाम क्या होगा? वही होगा जो मंजूर चौरंगी लाल होगा। बहन, ये पुलिस का काम तुम्हारे बस की बात नहीं। एक काम करो, मेरी शराब की दुकान के सामने सीख कबाब का धंधा खोल लो, बहुत चलेगा। ऑल पॉलिटिक्स। मिस्टर मोहन। यस मैडम। टेक ओवर चार्ज। लेकिन मैडम, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं महेंद्र बाबू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। महेंद्र बाबू मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैंने आपका इरादा पुलिस स्टेशन में भी किसी को नहीं बताया, फिर और किसी के सामने क्यों उगलूंगा? तुमने अपने जीजा के साथ गद्दारी करके उसे मरवा दिया, उसकी लाश से कागजात छीन कर चौरंगी लाल के हाथों भेज दिए। कल तुम हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे इसकी क्या गारंटी है? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह तुरिया में नहीं ऊपर है, इसलिए हम तुम्हें नीचे फेंक रहे हैं। फेंक दो उसे। किसने मेरी बहन का यह हाल बना दिया? अरे विक्रम, ¡Gracias!
बेटा। चरंगी लाल जी, कैलाशनाथ, तुम रो रहे हो। तुम्हारे जवान बेटे की लाश तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी है और तुम अपना कर्तव्य निभाने के बजाय अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हो। अगर ये मेरे भाई की लाश होती तो अब तक उस सर्कल इंस्पेक्टर का सारा खानदान तबाह हो चुका होता। बेटी वो कैलाशनाथ और महेंद्रनाथ हमारी बेटी ज्योति को उठा कर ले गए। चौरंगी लाल तो मुखिया जी, आप भी तो किसी जमाने में गुंडे और बदमाश रह चुके, तो फिर आप भी। अब मैंने चोला बदल लिया है, अब मैं माचिस की तीली की तरह हूँ। जलाया, हालात के पेट्रोल में फेंका और खिसक गया, वरना हाथ जल जाने का खतरा है। Thank you.
योर ऑनर, एक जिम्मेदार और बाइज्जत पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी से इस्तीफा देकर बेरहमी से खून करने वाली ये खुदगर्ज झांसी रानी मुजरिम है, गुनहगार है, कातिला है। इसलिए अदालत से मेरी दरखास्त है कि इसे फांसी की सजा दी जाए। That's all, Your Honor. क्या आप अपना जुर्म कबूल करती हैं? भगवान को साक्षी मानकर, इंसाफ की देवी को साक्षी मानकर मैं कसम खाकर कहती हूँ कि महेंद्रनाथ का खून चाकू से मैं नहीं किया है। लेकिन अगर कानून की जबान में मुझे खूनी कहा जाता है तो वो जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को खूनी बना दिया वो खूनी से भी ज्यादा गुनहगार है, कातिल से बड़े मुजरम है। अगर आपके पास मेरे लिए फांसी की सजा है तो बेगुनाह इंसानों को मौत की नींद सुलाने वाले गुंडागर्दी, दहशत और आतंक के जरिए बेगुनाहों का खून बहाने वाले खतरनाक मुजरमों के लिए आपके पास कौन सी सजा है? पानी की तरह बहते हुए मजदूरों की पसीने से सीमेंट भिगोकर अपने लिए कॉन्क्रीट की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले, भूख से तड़पा तड़पा कर उन्हें खत्म करने वाले इस कैलाशनाथ को आप क्या सजा देंगे? अपने सर पर तीन शेरों के निशान लगी हुई टोपी पहनने वाली इस पुलिस ऑफिसर झांसी रानी को इन जालिम भेड़ियों ने अपनी दौलत और वसीले की ठोकरों से इतना कुचला कि मुझे मजबूर होकर पुलिस के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन वो काम जो एक पुलिस ऑफिसर ने कर सकी उसे एक मां ने कर दिखाया। यस यस योर ऑनर, जब एक मासूम कुंवारी लड़की को उन शैतानों ने अपनी हवस की आग बुझाने के लिए अगवा किया और उसके पाक दामन को अपने पाप के नाखूनों से नोचने जा रहे थे तो इस मां की कोख में आग लग गई, इसकी आत्मा से शोले निकले लगे और इस मां ने राक्षसों को सर्वनाश करने वाली मां का रूप धारण किया और उस शैतान का खून कर दिया। क्या सजा देंगी ऐसी मां को? कौन सी सजा सुनाएंगी ऐसी मां को? जज साहब, अगर जुर्म एक आवाज है तो सजा उसकी गूंज है, अगर कानून एक आवाज है तो इंसाफ उसकी गूंज है। अगर अदालत की आवाज मुझे कहती है कि तुम मुजरिम हो तो करोड़ों माओं की आवाज गूंजेगी कि इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, अदालत से चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगने वाली झांसी रानी की आवाज की गूंज में सिर्फ जज्बात है, इसकी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। सबूत मेरे पास है,
आप कौन हैं? Your Honor, I'm Advocate रवि कुमार। अगर इजाजत हो तो इन गुनहगारों के गुनाहों में इनका साथ देने वाले एक गवाह को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो आपको बताएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इजाजत है। थैंक यू योना। कैलाशनाथ, चौरंगी लाल दो मुखिया और विक्रम जैसे देशद्रोहियों को अगर कानून छोड़ देता है तो समाज तबाह और बर्बाद होकर रह जाए। इसलिए आईपीसी की दफा 326 के तहत अदालत इन तीन मुजरमों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और सन्यासी राजा को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई जाती है। अपनी रक्षा और अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए झांसी रानी ने जो भी कदम उठाया, अदालत उसे जुर्म न मानते हुए झांसी रानी को बाइज्जत बरी करती है। पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और बहादुर पुलिस ऑफिसर की सख्त जरूरत है। इसलिए अदालत पुलिस डिपार्टमेंट को इनका ओहदा बरकरार किए जाने के लिए पुरजोर सिफारिश करती है।